आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर चर्चाएं ऐसी हो रही हैं जिसको लेकर कभी कभी शर्म भी आती है, तो कभी कभी लगता है कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अब हमको ना वर्ग नजर आते हैं, ना व्यक्ति विशेष नजर आते हैं, ना हमको भारत की संस्कृति नजर आती है, ना धर्म नजर आता है, ना धार्मिक मुद्दे नजर आते हैं और ना जनता के मुद्दे नजर आते हैं। यहाँ पर केवल केवल एक मुद्दा रहता है कि अपने आप को बचाएं कैसे। यहाँ केवल एक मुद्दा रहता है कि सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर अपने आप को बनाए कैसे रहे। चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं 24 के, उसके पहले लगातार हम देख रहे हैं अभियानों का सिलसिला जारी है। पर आज हमारी बात अभियानों पर नहीं बल्कि दूसरी तरह के अभियान पर चलने जा रही है। एक अभियान यहाँ पर खाप पंचायत चलाने जा रही है। आज मुजफ्फरनगर के साहेबपुर क्षेत्र के सौरभ में एक ऐतिहासिक गांव है और मुगलों के समय से यहाँ पर खाप पंचायत चली आ रही है और यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे तमाम राज्यों की जो पंचायतें हैं उनका सिरमौर यानी सर्व खाप पंचायत वो मुजफ्फरनगर का सौरम गांव है। आज यहाँ पर एक खाप महापंचायत हुई जो लगभग 9 साल बाद हुई और 9 साल के बाद यहाँ पर पंचायत के माध्यम से एक बड़ा फैसला लिया गया और फैसला लिया गया देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवानों के आरोपों को लेकर, जो आरोप गोंडा के कैसरगंज से सांसद बैसभूषण सरन सिंह पर है। जिस तरह से तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, 28 मई को पहलवानों को जिस तरह से उठाया गया, खींचा गया, वो दृश्य सबने देखा और उसके बाद से अब इस मामले पर जो सियासत पहले हो रही थी सियासत और गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां तो यहां पर सियासत कर ही रही थी और यहां पर अब सियासत ऐसी भी होने जा रही है कि इन पहलवानों को यहां पर एक समर्थन मिल गया है, वो समर्थन मिला है खाप पंचायतों का। उनका कहना है कि अगर बेटियां मेडलों के लिए अपना खून पसीना बहाती हैं, मेहनत करती हैं और अगर उनके साथ गलत होगा तो खाप पंचायतें उनकी लड़ाई करेंगी और इस खाप पंचायतों के माध्यम से यहाँ जो बैठक हुई है उसमें ये कहा गया है खाप प्रतिनिधि यहाँ पर आगामी समय में प्रधानमंत्री से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात रखने की है वो यहाँ पर किस तरह रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई बता रहा है कि एजेंडा है, कोई बता रहा है चारमूज के प्रायोजित कार्यक्रम है, कोई कह रहा है कि वास्तव में दर्द है, पर असल में है क्या? असल में फिलहाल यहाँ पर जांच चल रही है और जांच के लिए कि ये भी कहा गया है कि पुलिस को सबूत नहीं मिल रहे हैं और पुलिस हो सकता है कि इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दे। हालांकि जैसे ही ये कुछ सुर्खियाँ मीडिया चैनलों पर आई उसके बाद DCP दिल्ली का बयान भी आ गया, उन्होंने कहा कि ऐसी सुर्खियाँ नहीं है बल्कि पुलिस को अभी साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, वो अभी समय है, अभी जांच प्रक्रिया चलती रहेगी। तो वही कैसरगंज से सांसद बैसभूषण सरन सिंह ने कह दिया अगर सबूत मिल गए तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूँ, फांसी लटकने पर तैयार हूँ, वो पहलवान मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, मैंने खून पसीना बहा के भारतीय कुश्ती महासंघ को उठाया है और मेरे कार्यकाल में जो पदक आए हैं वो अब तक के सबसे ज़्यादा पदक हैं, यानी 7 पदक अब तक कुश्ती में मिले हैं ओलंपिक में, उनमें से 5 पदक उनके कार्यकाल में आए हैं। खैर, राजनीति एक विषय बिंदु और है कि आगामी समय में 5 जून को कहा जा रहा है कि अयोध्या के संत मिलकर यहाँ एक रैली निकालने जा रहा है और रैली बैसभूषण सरन सिंह के पक्ष में है, पास्को एक्ट में बदलाव को लेकर और उनके आरोपों को यहाँ पर जवाबदेही को लेकर। अब यहाँ पर संत क्यों आ गए मुझे पता नहीं, पर चूंकि अब रैली है, भारतीय लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अब ये अधिकार संतों के पास किस माध्यम से यहाँ पर आया है, उन्होंने रैली की बात कही है, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पर 5 जून को एक ऐतिहासिक रैली हमको देखने को मिले। अब सच्चाई आरोपों में कहाँ तक सच है गलत है वो तो एक यच प्रश्न है और हो सकता है कि कुछ समय में ये मामला सुलझ जाए। पर जिस तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि अब ये जो मामला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ये मामला लगातार इसलिए बढ़ रहा है कि हरियाणा में भी भारतीय किसान यूनियन बड़ूनी गुट
कि हरिनाम बड़ूनी ने भी कह दिया है कि यहाँ पर 4 जून को हम महापंचायत करने जा रहे हैं, उसके बाद रूपरेखा तैयार होगी कि पहलवानों को समर्थन कैसे देना है। कुल मिला के यहाँ पर पहलवानों का समर्थन मिलने जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर इन पहलवानों का समर्थन ये खाप पंचायतें करने लगी और सियासत हुई तो यहाँ पर आगामी 24 के चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जाट समुदाय की बहुतायत है, गुर्जर समाज की बहुतायत है। राजस्थान में चुनाव होने, हरियाणा में ही चुनाव होने हैं, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर दिक्कतें आई तो लोकसभा चुनाव की जो डगर है वो कठिन हो सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर एक बयान है, वो सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकार की तरफ से कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें सरकार की बात है, समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है और क्या है। के जो भी लोगों ने अपने मंच से स्पीच दी वो उसी चौधरी की विचारधारा है। ये हुआ कि राष्ट्रपति होम मिनिस्टर इन लोगों से मिला जाए, अपनी बात उनके सामने भी कही जाए, और अगर आंदोलन करना होगा, अगर वे बात नहीं मानेंगे, कोई न्यायपूर्ण बात नहीं होगी तो आंदोलन करना होगा तो आंदोलन भी करेंगे। होगा कितना बड़ा होगा, हमने पहले भी तमाम आंदोलन देखे हैं और ऐसे आंदोलन भी देखे हैं जिन्होंने एक इतिहास बना दिया, चाहे CNRC के विरोध में शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे लखनऊ के घंटाघर का आंदोलन हो, और चाहे किसान बिल के विरोध में महीनों जमे किसानों का आंदोलन हो। सब ने वो आंदोलन देखे हैं, उस आंदोलन का नुकसान भी देखा, लाभ भी देखा है, और उस आंदोलनों पर सियासत भी देखी है। फिलहाल ये मामला सियासत तो बाद की बात है, पर यहाँ पर ये मामला आप अहम की लड़ाई में ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहलवान मेडल प्रभार करने हरिद्वार गए थे और वहाँ पर भी ये मेडल नरेश टिकट को सौंप दिए गए, और यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें हमने देखी हैं कि अब ये मामला इतना आसान नहीं रह गया है, ये मामला इतनी आसान नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर मामला आधी आबादी का है, यहाँ मामला है उन बेटियों के लिए जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से देश का नाम, देश का परचम पूरे विश्व समुदाय में उठाया, यहाँ पर मामला है भारतीय व्यवस्थाओं के लिए, यहाँ मामला है भारतीय संस्कृति के लिए, और यहाँ मामला है भारत के संविधान के हिसाब से प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों को लेकर। यह अधिकार है कि अगर आपको सिस्टम की कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसका आप विरोध कर सकते हैं, उसका आप आंदोलन कर सकते हैं, उसका विरोध करते हुए आप आमरण अनशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, और यह अधिकार आपको भारत के संविधान ने दिया है। किसी सरकार, कोई कानून आपको इन आंदोलन करने से रोक नहीं सकता है, बशर्ते वहाँ पर कोई अलग तरह की व्यवस्था ना बनाई गई हो, जैसे धारा 144, उसके हिसाब से आप आंदोलन नहीं कर सकते, करना है तो उसके लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, पर अगर आंदोलन इजाजत लेके करना पड़े तो आंदोलन नहीं किया। पर चूंकि यहाँ पर तमाम तरह के हम देखते हैं, विपक्ष भी लगातार कहता है, सरकार विरोधी बातों को कहते हुए डिबेट में तमाम मुद्दों पर बयान देते हुए कहता है कि सरकार हमको आंदोलन नहीं करने दे रही है, और आंदोलन नहीं करने दे रही है तो कहीं ना कहीं कमी आपकी है, क्योंकि मेरे ख्याल से आंदोलन पूछ के नहीं किया जाता है, आंदोलन जनता के लिए, आंदोलन अपनी मांगों के लिए, आंदोलन अपने विषय पर, आंदोलन आपकी समस्याओं के लिए जनता भी करती है, विपक्ष भी करता है। अब विपक्ष यहाँ पर एक तरह का आंदोलन को यहाँ पर हवा देता नजर आ रहा है, और फिलहाल जिस तरह से खाप पंचायतों का आज महापंचायत हुई है, आने वाले समय में बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि पहलवान यहाँ पर आर पार की लड़ाई पर तैयार है, उनके साथ आ गई है खाप पंचायत। महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान चौकी बुला दूँ, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा से जयराम भार्गव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से चौधरी ससन सरोहा अपनी बात रखेंगे, और समाज सेवी के रूप में अपनी आवाज़ हमेशा मुखर करने वाली अजरा मोमिन अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा से, विवेक भाई ब्रजभूषण शरण सिंह कल कहे थे कि अगर सबूत मिल जाएंगे तो हम खुद लटक जाएंगे, संत समागम भी यहाँ पर आह्वान कर रहा है, रैली की बात कर रहा है, कह रहा है पासपोर्ट एक्ट में बदलाव करो, ब्रजभूषण सिंह यहाँ पर निर्दोष हैं, फंसाया जा रहा है, ऐसी बात आ रही है, 5 जून की रैली की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर रैली से पहले यहाँ पर खाप पंचायत हो गई सोरम में, ऐतिहासिक गाँव में, जहाँ भी जब भी पंचायत होती है
तो उसका कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलता है। हरियाणा, पश्चिमी यूपी, यूपी, पंजाब, ये जाट और गुर्जर बहुल एरिया है, क्षेत्र है, और यहाँ पर अगर आपकी स्थिति डगमगाई तो उसका खामियाज 24 भुगतने पड़ सकता है। ये तो महत्वपूर्ण बात ये है। और बाकी जिस तरह से ये पहलवान विरोध कर रहे हैं, इनको खाप का यहाँ पर समर्थन मिल गया है, तो आपके लिए और आपके सांसद के लिए यहाँ पर चुनौती बड़ी हो गई है, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। अच्छा, तो मुझे लगा आपके निर्देश पे। चलिए, विवेचक विवेचना कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और खाप पंचायतें, यदि इसमें कोई पंचायत करती भी हैं। अच्छा अच्छा, कुछ करती हैं? मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा अच्छा, खाप पंचायतों से अगर इसमें कोई इस तरह का निर्णय आता भी है, तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत चल रहा है और मॉनिटरिंग भी सुप्रीम कोर्ट की है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि खाप पंचायतों के द्वारा ऐसा कोई निर्णय लिया जाना संभव हो पाएगा। अच्छा, या उसकी कोई ऐसी, भाई आप खाप पंचायत को हल्का ले रहे हैं क्या? नहीं, हम हल्के भारी की बात, मुझे लगा ऐसा। ये देखिए, ये टोटल कालीन पंचायतें हैं। देखिए, मैं उनके, उनका अलग कानून चलता है, ये भी पता होगा। गौरव जी, आप मुझे उलझाने वाली भाषा नहीं, उलझा है, मैं उलझा कह रहा हूँ। मैं खाप पंचायतों के मुझे अस्तित्व से इनकार नहीं है, उनकी वरिष्ठता से इनकार नहीं है, उनकी व्यापकता से इनकार नहीं है, उनके समर्थन से मुझे इनकार नहीं है। परंतु चूंकि ये मामला पूरी तरह विधिक है, अच्छा, विधिक मामले में खाप पंचायतों में क्या कुछ फैसला लेंगी या नहीं लेंगी, ये पंचायतों के निर्णय के बाद इस पर टिप्पणी की जा सकती है, और उन निर्णयों का स्थिति इस मामले में क्या होगी, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। अच्छा, ये मामला पूरी तरह न्यायिक विषय का है। अच्छा अच्छा, अब इसमें सरकार के पास या किसी राजनीतिक दल के पास करने के लिए कुछ नहीं। जो लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें स्वयं भी मालूम है कि मामले की विवेचना जारी है। विवेचक का विवेक सर्वोच्च होता है। अच्छा अच्छा, वो अपने विवेक से जहां तक इसमें सबूत, गवाह, दस्तावेज इकट्ठे कर पाएगा करेगा। अभी तक मिला नहीं पर उसको कुछ विवेचक को, कोई जरूरी थोड़ी कि मिल जाए। अच्छा अच्छा, मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि ये विषय इतना सरल नहीं है। अच्छा अच्छा, ये लोग ब्रजभूषण जी और उनके जिन लोगों ने इनके ऊपर FIR किया है जी, उनका किन किन देशों में किन किन स्थानों पे इनसे आमना सामना हुआ है, केवल एक जगह का, एक जिले का, एक प्रदेश का, एक देश का विषय नहीं है जी, ये तमाम देशों में घुमा हुआ विषय है। अच्छा, ऐसे में दिल्ली पुलिस कहाँ तक इसमें सूत्र खंगाल पाती है, कहाँ तक गवाह सबूत चीजें इकट्ठा कर पाती है जी, ये विषय है। अच्छा, अभी तक जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, ऐसा कोई सबूत अभी ब्रजभूषण जी के खिलाफ नहीं मिला है। अच्छा, जिससे उनकी अरेस्टिंग हो सके। अच्छा अच्छा, बाकी काम भी चक्का है। अच्छा, मुझे अच्छा, मुझे पता था पासपोर्ट में अरेस्टिंग हो जाती है। नहीं, ये आपको गलत पता है, जानकारी कम है। जब कंप्लेनेंट केस होता है, अदालत के निर्देश में लिखा होता है, तो सब कुछ विवेचक के विवेक पर होता है। अच्छा अच्छा, ये वो मुकदमा नहीं है कि जो आप थाने में गए, आपने लिखाया साहब मेरी नाबालिग कन्या के साथ बलात्कार हो गया। मुझे पता था 354 में भी गिरफ्तारी हो जाती है, जब अदालत और बी जब जब थाने से मुकदमे लिखे जाते हैं। अच्छा, तब जब ये मामला अदालत के निर्देश पे आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे मुकदमा लिखा गया, ये कंप्लेनेंट केस ही डील होगा। विवेक पांडे जी बैठे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे थोड़ा समाजवादी पार्टी क्षेत्र विधिक रूप से बात करिएगा, तो इस बात को और स्पष्ट करके बता पाएंगे। अच्छा, और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर मुकदमा लिखा गया, कंप्लेनेंट केस है, इसमें जब तक विवेचक को पर्याप्त सबूत नहीं मिलेंगे, उसको लगेगा कि हाँ हमें अरेस्टिंग करनी चाहिए, तब तक ये उस तरह का मुकदमा नहीं कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी हो जाए। एक विषय। दूसरा, जो लोग पंचायत कर रहे हैं या जो लोग इस तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सरल भाषा में मैं कहूँ तो वो न्यायिक प्रक्रिया को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और FIR के बाद तो धरना समाप्त हो जाना ही चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र है, तभी यहाँ पर FIR करने का निर्देश दिया गया, FIR हुई है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, और शायद बहुत प्रशंसनीय बात भी है बेबी पांडे की, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ पर FIR भी कराई गई है। न्यायपालिका को साधुवाद। बेबी पांडे, देखिए क्या रहा है। पहले तो पूरे मंच को मैं अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूँ और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। ये बात इन्होंने स्वयं स्वीकार कर ली कि
एफआईआर न्यायपालिका के माध्यम से लिखी, बिल्कुल हुई है, सबको पता है 56-3। तो ये बात भी सत्य है कि भाई पुलिस ने कहीं ना कहीं एफआईआर लिखने में आनाकानी की, पुलिस ने अपने दायित्व, आप बोलना चाहते हो बोल लीजिए, मैं जवाब देने के बारे में, हाँ भाई बोल लीजिए, कुछ बोल, क्योंकि पुलिस ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, क्योंकि पुलिस एक रसूख के सामने, अच्छा मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को नहीं सुन रही थी या ना सुनना उसने पसंद किया, और कहीं ना कहीं उसने राजनीतिक सत्ता को चुना, अच्छी बात है, और तभी 156-3 मूव की गई, और तभी न्यायालय के आदेश पे, सुनता है तब कोर्ट सुनती है, बिल्कुल जी, विवेचना प्रचलित है, बिल्कुल प्रचलित है, लेकिन ये जो एक्ट है पॉक्सो एक्ट जो आया है, पॉक्सो एक्ट का प्रावधान क्या है या जनरली जब देखा जाए सीआरपीसी आईपीसी की बात जब की जाती है, 10 साल या 7 साल से अधिक की सश्रम जो कारावास की जिनमें भी सजाए हैं उनमें 30 दिन में, खासकर हिलेनियस क्राइम में 30 दिन में आपकी चार्जशीट सबमिट होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ एफआईआर जिस दिन से हुई उसके बाद भी अगर 30 दिन काउंट करें तो पुलिस का दायित्व तो बनेगा कि वो 30 दिन में कम से कम अपनी चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट करे अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करते हुए। दूसरी बात पे आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये इस देश में एक ऐसा काला अध्याय बन गया है, मुझे नहीं पता कि अभी इसमें सत्य क्या है, मुझे नहीं पता इसमें आरोप क्या है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सत्यता है कि खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए, ये कह रहे हैं कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं, लेकिन देखिए एक नैतिक मर्यादा होती है, उस नैतिक मर्यादा की भी अगर मैं बात करूं, राजनीतिक नैतिक मर्यादा की, अच्छा आपके ऊपर आरोप लगा है, मुझे लगता है कि आपको अपने शब्दों को थोड़ा संयमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके जो शब्द निकल रहे हैं बार बार आदरणीय सांसद जी के जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण शब्द हैं। अगर किसी पॉक्सो के मामले में, या आज आदरणीय बैठे हैं हमारे विवेक श्रीवास्तव भैया बैठे हैं, गौरव भाई आप बैठे हैं, अजरा मोमिन जी बैठी है, अजरा मोमिन जी अगर हम पे ही किसी तीनों पे आरोप लगा दे कि मेरे साथ मंच पे इस तरह से बदतमीजी हुई, तो आपको क्या लगता है कि हम यहाँ डंके की चोट पे बैठ करके तथ्यों को प्रमाणित करने की इनको चुनौती देंगे? नहीं, पुलिस सबसे पहले कार्रवाई करते ही हमको पहले यहाँ से उठा लेगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके विवेचना आपकी प्रचलित भी है, विवेचना जारी है, कहीं ना कहीं तथ्यों को ढूंढा भी जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल, तो यहाँ पर कम से कम मुझे लगता है सांसद जी को थोड़ी सी गंभीरता दिखाते हुए अपने शब्दों को मर्यादित लहजे में लाना चाहिए, चुनौतीपूर्ण आचरण से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं देखिए एक बात होती है ना, समंदर की धार बहुत बड़ी होती है, जब समंदर नदियों के शाखा में विभक्त होती है तो उसके कई कटीली धार बच जाती है, कहीं अगर कोई सबूत निकल गया तो यकीन मानिए सांसद जी के पास स्वयं को साबित करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अरे कहा तो फांसी लटक जाए, खुद बोल रहा है वो, इस्तीफा दे देंगे फांसी लटक जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि ये हाँ बिल्कुल, ये तो इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो अपने शक्ति प्रदर्शन में व्यस्त है, वो चुनौती दे रहे हैं खुल करके जी। क्या कोई आम अपराधी, कोई नॉर्मल केस में अगर किसी पे भी, क्योंकि देखिए कानून तो सबके लिए बराबर है जी, क्या किसी अन्य के ऊपर अगर इस तरह के एलिगेशन लगते तो वो इस तरह से चुनौती दे पाता? मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं आज जी। कहीं ना कहीं आप हास्यप्रद बना रहे हैं, पूरे माहौल का माहौल बनाने की चेष्टा जो कर रहे हैं, इससे आक्रोश उमड़ रहा है। देखिए एक बात समझनी पड़ेगी गौरव भाई जी, अगर सांसद जी के समर्थक है तो खिलाड़ियों के भी समर्थक है, अच्छा अगर सांसद जी की आलोचना हो रही है तो खिलाड़ियों की भी आलोचना हो रही है, लेकिन खिलाड़ियों की आलोचना करते करते जो भाजपा की मीडिया सेल ने अभी 2 दिन पहले इतना निकृष्ट कार्य किया कि बसों में उनको डिटेन करके लेके जा रहे थे और उनको मुस्कुराता हुआ दिखा दिया, मॉफ्ड पिक्चर बना करके चला दी सोशल मीडिया पे, अच्छा मुझे लगता है भाजपा को इस पे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा भाई कौन प्रचार करने आता है? मोदी जी आते हैं ना, योगी जी जाते हैं ना भाजपा के लिए प्रचार करने, तो दायित्व किसका बनता है भाई? अच्छा दायित्व किसका बनता है भाई? अगर मैं ये क्यों ना कहूं कि अगर ये इस तरह की मॉफ्ड पिक्चर चलाई गई सोशल मीडिया पे खिलाड़ियों की छवि खराब करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपके टूलकिट का हिस्सा था, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को डाइवर्ट करने का हिस्सा था, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में संवेदनाएं जो मिल रही हैं उनको उस पर लगाम कसने का हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरोप लगने के बाद भी शक्ति प्रदर्शन जारी है और कल को इसको परंपरा बना देंगे भाई। सब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है, मेरा सवाल रहेगा कि यहाँ पर एक पहलवान है वो अपना मेडल समेट रही है, रोते हुई मेडलों को अपने बैग में रख रही है, इस तरह के तमाम वीडियो वायरल हुए, ये किस श्रेणी में आता है? और दूसरा जिस तरह से यहाँ पर सत्ता पक्ष के आरोप ये भी है कि जो हरिद्वार में जाके हर की पैड़ी में गंगा में अपने मेडल प्रवाहित कर देंगे, ये प्रकार का एजेंडा था कि नाटक था, इसको भी कहा जा रहा है भाई? मुझे लगता है कि जिस तरह से संसद के उद्घाटन पे जी घसीटा जा रहा था खिलाड़ियों को जी, क्या मोदी जी को वो दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था जी? उसको आप एजेंडा कहेंगे कि टूलकिट कहेंगे जी? मुझे लगता है कि जो खिलाड़ियों ने अपने मेडल समेटे वो तो वास्तविक है, वो तो वास्तविक है, हर की पैड़ी पे गए। देखिए खिलाड़ी इसी देश के हैं, आपके हमारे परिवार के बीच से निकले हुए लोग हैं, इसी समाज का हिस्सा हैं जी। अगर संवेदनाएं होंगी तो आंख से आंसू बहेंगी,
अगर दुख होगा तो कलेजा फटेगा, और अगर उनकी उपलब्धियों पे सवाल उठेगा, भाई आज सोशल मीडिया पे भाजपा मीडिया से लिए यहां तक चली आई कि जो उन्होंने पैसे कमाए पैसे वापस कर दें, अच्छा भाई यहां तक चली आई। अच्छा। भाई देखिए सोचने वाली बात है, भगौड़ों से अपने मित्र भगौड़ों से पैसे वापस नहीं ला पा रहे हैं, अच्छा। लेकिन जिन खिलाड़ियों ने बचपन से सही बात देश को सम्मान दिलाने का सपना देख करके अपनी जवानी को कुर्बान किया, बचपन को कुर्बान किया तैयारी करने के लिए, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। पीएम केयर का हिसाब नहीं दे पाएंगे, नहीं देना चाहते, लेकिन खिलाड़ियों से पैसे वापस लेने की नियत है, मीडिया सेल चला रही है, शर्म आनी चाहिए भाई। अब क्या परिपाटी देवे भाई, देवे भाई, एक सवाल मेरा और रहेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, तमाम बीजेपी सरकार पर लेके और सांसद पर प्रश्न उठाए, इतना संघर्ष इतना दर्द आपके लिए है, काबिले तारीफ है, पर इस दर्द के लिए मुझे लग नहीं रहा कि अभी तक अखिलेश यादव कुछ बड़ा बयान दिए हैं, या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि शायद अखिलेश यादव भी इस देश की आधी आबादी उस बेटियों के लिए आगे आएंगे, संघर्ष करेंगे और सत्ता पक्ष की नींद तोड़ने का काम करते नजर आएंगे, कि फिलहाल अभी तो चुनाव में व्यस्त है। देखिए गौरव भाई एक बात बता दूं मैं आपको, ये सवाल आपने पहले भी उठाया, फिर उठा रहा हूं मैं, इसका जवाब दे दूं। बोल दीजिए। हमारे आदरणीय विधायक अतुल प्रधान जी दिल्ली ही जा रहे थे जंतर मंतर जी, अखिलेश यादव जी के निर्देश पे। अच्छा अच्छा। जब उनको डिटेन किया पुलिस ने, अच्छा अच्छा, अगर पुलिस को डर नहीं था तो रोका क्यों? अच्छा अच्छा। अगर सत्ता को डर नहीं था तो रोका क्यों? अगर आक्रोश जनता में नहीं था तो उनकी गिरफ्तारी पे अतुल प्रधान जी, जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, जिनका पश्चिम में अच्छा खासा दबदबा भी है, अच्छा, अच्छा। अगर वो जा रहे थे खाप पंचायतों के समर्थन में तो उनसे डर करके सरकार ने उनको रोका क्यों? अच्छा, अच्छा। क्या जरूरत थी यूपी पुलिस को रोकने की? अच्छा। और दूसरी बात मैं उठा देता हूं, आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया, जब उसी संसद के बगल में, संसद के बाहर सड़क पे जिन खिलाड़ियों को मोदी जी घर की बेटी बनाते थे वोट लेने के लिए, जब खिलाड़ी जीत के आए तो वावाई लूटने के लिए सबसे पहले फोटो खिंचवाने मोदी जी पहुंच गए, घर की बेटी बता दिया, जब उसी संसद में हवन यज्ञ पूजन चल रहा था और बाहर घर की बेटियों का चीरहरण हो रहा था, बाहर जिस तरह महाभारत की 64 लगी हुई थी और जिस तरह से बाकायदा आंखों पे पट्टी बांध करके यज्ञ पूजा हवन हो रहा था, क्या मोदी जी वहां पे थे? हम क्षेत्रीय दल है, आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर पूरे विपक्ष है, मैं वही आ रहा हूँ, विपक्ष की बात करिए, विपक्ष की बात करिए, हम क्षेत्रीय दल भी हैं, जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर आपके जिम्मेदारी नहीं बनती, कार्यकारिणी का दायित्व सुन लीजिए, आप हर जगह केवल अखिलेश यादव क्यों, पार्टी की सबकी बात कर रहा हूँ, रालोद की भी करूंगा, सुभाष पर भी करूंगा, बैठे भी सवाल लूंगा, लोग भी तो देखिए डर दिखाएंगे क्या, तो थे हमारे डर दिखाएंगे क्या, इतना डर गई सरकार की उनको रिटेन करने लगी। अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस लोकतंत्र में अगर इन्होंने ये परिपाटी शुरू की है कि कोई आंदोलन करे, कोई धरना प्रदर्शन करे, कोई शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करे, जो जंतर मंतर क्या किसी के बाप की जागीर है? अच्छा। वो संवैधानिक मूल्यों के अनुसार अगर कोई वहां पे धरने प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको रोंदने का काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप आने अगर सत्ता चली गई जिस दिन, उस दिन आप भी इस परिपाटी को याद रखिएगा। अच्छा। कम से कम हमने, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी किसी आंदोलन का दमन करने की चेष्टा नहीं की। अच्छा। कभी किसी भी आंदोलन का अपमान करने की कोशिश नहीं की। अच्छा। किसान आंदोलन इस देश का सबसे बड़ा काला अध्याय मोदी सरकार का। अच्छा। उसके बाद बेटियों का आंदोलन इस देश का उससे भी बड़ा काला अध्याय। अच्छा। मुंह पे कालिक पोत चुके हैं। अच्छा। पूरे मुंह पे कालिक पोत चुके हैं, भारत का नक्शा दिखा करके क्या होगा बताइए गौरव भाई। ठीक है ठीक है, बात लेंगे बाद में। चौधरी सचिन सरोहा, प्रवक्ता रालोद। सचिन भाई स्वागत है प्राइम डिबेट, बहुत समय बाद आपको जुड़ने के लिए। सचिन भाई कैसे देखते हैं इस आंदोलन को, खाप पंचायतों का समर्थन मिल गया है, अब यहाँ पर मुश्किलें शायद बढ़ने वाली हैं सांसद के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, या फिर एक प्रकार से जिस तरह से कहा जा रहा है कुछ समय बाद ये मामला भी खत्म हो जाएगा, आपकी क्या राय है? और विपक्ष की अब तक कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी मुहिम इसको लेकर नहीं देखी है, शायद इसी कारण यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन या खाप पंचायतों को सामने आना पड़ा है, कैसे देखते हैं? आप कीजिएगा, पहली बात तो मैं अपना नाम, मेरा नाम सचिन चौधरी है, चलिए ठीक है। और जहाँ तक इस आंदोलन का विषय है जी, आप सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है जी, कि जो बेटियां भारत का सम्मान करने के लिए, जो भारत का गौरव थी, जो मेडल भारत के लिए लेके आई थी, देश में जब एक नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा था तो कैसे उस संसद के सामने इन बहन बेटियों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया गया, जो जंतर मंतर पर अपनी आवाज को उठा रहे थे उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया जी। कोई ये दूसरे देश के लोग नहीं है जी। ये हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे देश का गौरव है जी। अगर इनके ऊपर अत्याचार होगा, जो तस्वीरें उस दिन की आई वो पूरे देश ने देखी, किस तरीके से पैरों से कुचलने का काम किया गया जी। और जब इन बेटियों ने कहा कि हम गंगा में अपने, ये दर्द था उनका
जो उनके अंदर एक दर्द था, उनकी संवेदनाएं थी कि उनकी आवाज को देश के लोग नहीं सुन रहे, देश की सरकार नहीं सुन रही है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि चाहे अजय टेनी मिश्रा जी हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, अच्छा, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती है? अच्छा। भारतीय जनता पार्टी हर चीज को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा समझती है। आज ये देश की बहन बेटियों का सवाल है। माननीय जयंत चौधरी जी ने कल कहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, रालोद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूँ, राज्यसभा का सांसद बाद में हूँ, मैं पहले अपनी पहलवान बेटियों का भाई हूँ। अच्छा। और 4 जून को हरियाणा के अंदर महापंचायत में शामिल होकर जयंत चौधरी जी बहन बेटियों के सम्मान की इस लड़ाई का पूरा समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि जयंत चौधरी पहले जाएंगे, पर यहाँ पर मिखाल से खाप पंचायत पहले आ गई है, वो बाद में आए हैं। मिखाल पहले जाना चाहिए था। बात पहले और बात की नहीं है। बिल्कुल बात आज बिल्कुल बात पहले बात की जयंत चौधरी जी। यहाँ पर जब पहलवान बेटियों की बात होती है, जयंत चौधरी जी जब जंतर मंतर पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें बैठी थी, तो जयंत चौधरी जी वहां भी पहुंचे। और जब रात में जी दिल्ली पुलिस ने उन बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करने का काम किया जी, जब उनके साथ वहां पर अन्याय हुआ, तब सुबह फिर जयंत चौधरी जी वहां पहुंचे थे। राष्ट्रीय लोकदल, किसान, युवा पूरा आज अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा है। अच्छा। और जो भी निर्णय सब समाज का होगा जी, राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से उसमें अपनी बेटियों के साथ खड़ा रहे। ठीक है, प्रवक्ता सुभाषपा दयाराम भार्गव भाई, आप भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समितियों की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, अब यहाँ पर जो हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे या फिर चुपचाप बैठे रहेंगे? क्यों अभी तक कोई बयान तो आया नहीं ओम प्रकाश जी का? राजनीतिक जरूर घटनाक्रम चल रहा है, बता दीजिए। तो भाई आपने देखा नहीं होगा जी, माननीय नेता जी का 3 दिन पहले का बयान आप देख लीजिए। हाँ, बता दीजिए कौन सा बयान था जयराम भाई, कौन सा आपके माध्यम से जो जी, आपके माध्यम से भारत समाचार के पत्रकार महोदय ने जब इस पे चर्चा किया। अच्छा। तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल सर्वजनिक है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, समय उसमें ज्यादा नहीं है। अच्छा। आज हम कहना चाह रहे हैं देश और प्रदेश की राजनीति में जी, बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की शेष नेतृत्व कहती है कि बेटी बचाओ, अच्छा, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, नारा सिद्धू का अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन यही चीजें जब धरती पे उतारना हो तो उससे इतर हो जाता है। अच्छा। आप देखेंगे आज ब्रजभूषण शरण की अगर बात आ रही है तो बीजेपी के जितने भी लोग हैं, श्रीवास्तव जी ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग हैं, अच्छा, लोकसभा राज्यसभा में जितनी महिला सांसद है, क्या उनका जमीर मर चुका है? क्या उनको इससे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या ये बेटियां जो है अब देश की बेटियां नहीं रही? बिल्कुल सही बात, किसी की बहन नहीं है। ये जो सांसद विधायक राज्यसभा में और विधानसभा में है जी, क्या इनकी जमीर मर गई है? जब ये मेडल जीत के आया करते थे तो हर किसी की होड़ लगती थी कि पहले फोटो मैं खिंचवाऊ, पहले फोटो मैं खिंचवाऊ, और कितनी जल्दी हो इनके साथ फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालू। क्यों? वोट बैंक की राजनीति। अच्छा। हर कोई वोट बैंक की राजनीति में इतना ज्यादा व्यथित हो गया है कि उसे अब ये नहीं दिखाई दे रहा कि बेटियों का सम्मान हो रहा है या अपमान हो रहा है। अच्छा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर जी को देख लीजिए, दुष्कर्म में किस तरह हीला हवाली उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट लगी रही बचाने में, दिल्ली में आना पड़ा केस, उसको न्याय तब मिला जब तक उसका परिवार पूरा खत्म। आप पूरा सम्मान दे रहे हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, बोल लीजिए। नहीं नहीं, मैं मेरी बात सुनिए, मैं जो जो चर्चा का विषय जो मैंने जो मैंने सुना वो आपको बता दिया मैंने जी। नहीं नहीं, देखो मैंने कहा ना, मैं सब अब आप बताइए जो मैं बातें बोल रहा हूँ या तो गलत हो बता दूंगा। नहीं तो आप, मैं गलत का बोल रहा हूँ, मैं तो आप जो आपको सुना मैंने आपको बता दिया, बोल दीजिए भाई अपनी बात। दूसरी बात जी, दूसरी बात जी, दूसरी बात जी, समाजवादी पार्टी के भी अभी हमारे भाई ने कहा अच्छी बात सब करते हैं। अच्छा। लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो सबकी बातें वही इतर हो जाती है। अच्छा। गायत्री प्रजापति लीजिए, मैं समझ ही रहा था, जेल में है, इनके रिश्तेदार है ना, बार बार उन्हीं का। लेकिन अब सुन लीजिए, देखिए यही तो बता रहे हैं, यही तो समाजवादियों की बड़ी समस्या है। अच्छा। अब
भाई सत्ता पांडे भाई बड़ी समस्या है। दयाराम भैया मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सत्ता में नहीं बड़ी समस्या है, भाजपा की बड़ी समस्या की। आपको याद होगी सेंगर प्रकरण में आपके नेताजी ने खूब समर्थन दिया था, उस समय भी भूल गए क्या? मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए, फिर इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है विवेक भाई। नहीं नहीं सुनाइए, आप उठा के देख लीजिए। और इसी टीवी क्या नाम है प्राइम टीवी पे मैं बैठा हूँ, कई बार बैठा हूँ, वीडियो उठा के देख लीजिए, कभी आप इतर नहीं पाएंगे। दूसरी बात जी, मैंने कहा जब बेटियों की बात आती है जो सत्ता में होता है वो बेटियों की लाज और हया को तार के रख करके बिल्कुल अलग कर देता है। आज वोट बैंक की राजनीति है, क्या वजह है? जिस बृजभूषण शरण पे 80 FIR दर्ज है, वो माननीय बने, उनको बचाव का कारण क्या है? अगर वो बच्चियां कह रही तो आप पद छोड़ करके कम से कम जेल में तो जाए, जांच को प्रभावित होने से बच जाए। अच्छा, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी। अरे देश में हमारे संविधान भी तो है, कानून भी तो है। अच्छा, अच्छा। और ऐसा क्यों हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? अच्छा। कि बेटियों की जो समस्याएं है उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा FIR दर्ज करने। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो छोड़ दो, दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आती है। अच्छा, तो उस समय देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी कहाँ है जी? क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय जो है मोदी जी कहाँ है? अच्छा, देश की महिला प्रधानमंत्री क्या नाम है, राष्ट्रपति है जी, आदिवासी समाज से आती है जी। तो क्या ये जितने हमारे महिला सांसद विधायक हैं इनकी जमीन कहाँ है? अच्छा, ये सोने के लिए चले गए हैं क्या? तो आप जगाइए ना, प्रश्न तो उठेगा। अरे आप जगाइए, अगर सोने चले गए हैं तो कैसे जगाएंगे? अब आप बता दीजिए श्रीवास्तव जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। आज जगाने जाएंगे जाएंगे अगर सो गए तो जी। बेटियां अगर जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही हैं, उसको हटा दिया जाता है जी। देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, उसी दिन बेटियों के साथ अत्याचार हो जाता है दिल्ली में। ये कैसा कानून है दिल्ली में? अच्छा अच्छा, वो बेटियां अपनी मेडल जो वापस करने जाती है, नरेश टिकट वापस लेके आते, 5 दिन का समय दे रहे हैं। अच्छा, ये कैसा जो संविधान चल रहा है हमारे देश में? अच्छा, सुनवाई कहाँ कौन कर रहा है? अच्छा, किसके पास अर्जी लगाई जाए, ठीक है, कौन इस देश में सुनने वाला है जी? कानून तो उसके ऊपर ही पूछा जाएगा ना जो कानून सुने। बिल्कुल, यहाँ तो स्वयं कानून सांसद जी बने हुए हैं। अच्छा, वो बता रहे हैं कैसे चर्चा होनी चाहिए, किस तरह जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सुभाषपा आने वाले समय में सांसद के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करने वाली है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से मामला ज्वलंत हो गया है। देना भाई, प्रदर्शन होगा कि नहीं होगा? जी देखिए, मैंने कहा ना, स्वयं भारतीय समाज पार्टी हर उन अत्याचार अनैतिक के खिलाफ खड़ी है। अच्छा, हर उन अत्याचार अनैतिक के खिलाफ खड़ी है। अच्छा, जो संविधान के साथ काम ना करे, संविधान का खिलवाड़ करे, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। खड़े कब होंगे? खड़े कब होंगे? खड़े तो है आप, खड़े तो खड़े हैं, हम तो खड़े हैं महाराज। अरे आप दिल्ली, दिल्ली की बात कही तो वहाँ गए थे क्या? सुभाषपा की टीम कहाँ गई थी? दिल्ली में मैं गया था जी, मैं दिल्ली में गया, मैं होके आया हूँ, आपको अच्छा, भेज देता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आपको भेज देता, फोटो भेज दूंगा। चलिए ठीक है, तेरा भाई आप नाराज हो गए मेरी बात पर। नहीं आपने कहा खड़े, नहीं खड़े हुए तो मुझे भी इतना इस बात की। देखिए अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली चौधरी चरण सिंह वहाँ गए थे, मैं नजर आया था, तमाम लोग नजर आए थे पर आप नजर नहीं आए थे, मैंने पूछ लिया आपसे। चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छा आपको फोटो भेज देता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप गए होगे, मुझे पता है आप सुभाषपा के बहुत ही मेहनती और सक्रिय कार्यकर्ताओं में एक है। जयराम भाई बड़े नाम सुभाषपा के यहाँ, ठीक है। अजरा मोमिन, अजरा जी कैसे देखते हैं? लंबी प्रक्रिया है यहाँ पर, लगता है अब चलेगी और पहलवानों के समर्थन में खाप आ गई है। अब यहाँ पर रण मेरे ख्याल से बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए भी और शायद बीजेपी सांसद के लिए भी। देखिए गौरव भाई, बिल्कुल सही बात कहा आपने कि खाप पंचायतें आ गई हैं समर्थन में। खाली खाप पंचायतें ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जनवादी लोग हैं जो पहले भी समर्थन दे चुके हैं इन बच्चियों का जी। और मुझे ये लगता है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग थोड़ा ध्यान देते इन बच्चियों की बात पर, जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट के तहत सांसद जी के ऊपर FIR लॉन्च की गई, तो मुझे लगता है उसी वक्त उनकी अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, मामला इतना तुल पे नहीं जाता। लेकिन अपने सांसद को बचाने के लिए अच्छा। इतने दिन की जो हिला हवाली रही वो कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि वो बचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और रहा इन बच्चियों की बात,
तो खाली खाप पंचायत ही नहीं, जो भी संवेदनशील लोग हैं, जिनमें भी जमीर जिंदा है, अच्छा। वो सभी इन बच्चियों का साथ देंगे, अच्छा। क्योंकि ये हमारे देश का गौरव तो है, इन्होंने अच्छा। हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, अच्छा। विदेशों में, देश में पूरे नाम इन्होंने रोशन किया है, अच्छा। और आप ऐसी बच्चियों को बताइए, गौरव जी आपने देखा होगा 28 मई को, मैं सब देखा। और जैसे 28 मई को नया संसद भवन तैयार होता है, ये भी इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। इसी तरीके से जब 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो मुझे ये लगता है जो ये दो तारीखें थी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, अच्छा। और दोनों ही तारीखों में ये महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, कहीं 15 अगस्त पर बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, उस महिला के जो जघन्य अपराधी होते हैं, कई बच्चों के साथ, कई महिला के साथ गैंगरेप करते हैं, उन अपराधियों को रिहा कर देती है 15 अगस्त, जो इतना हमारे लिए स्वर्णिम दिन होता है, हम उसको मना रहे होते हैं। उसी तरीके से जब हमारे देश का दोबारा संसद भवन नए रूप में तैयार किया जाता है, फिर वहां पर बच्चियों के साथ उनकी छाती पर, आपने वीडियो भी देखा होगा, उनकी छाती पर जूतों से रौंदते हुए उन मेडलिस्ट बच्चियों को, जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है, उनके साथ इतना भद्दा मजाक किया गया कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम किस दौर में जिंदा रह रहे हैं, जहां पर महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं लोग, वहां पर इतने इंपॉर्टेंट, इतने विशेष दिन पर भी बच्चियों के साथ इतना बड़ा न्याय हो जाता है। और एक चीज मैं कहूंगी कि जो मंत्रिमंडल में बहुत सारी ऐसे मंत्री हैं जो महिला मंत्री बैठी हुई हैं, स्मिता ईरानी जी हैं, और भी इस तरीके से नेगी जी को देख लीजिए, अरे सॉरी लेखी जी को देख लीजिए, मीनाक्षी लेखी जी को, तो मुझे लगता है क्या इनके अंदर वाकई बिल्कुल ममता का भाव खत्म हो चुका है, कि ये जब कोई और इशू छोटे मोटे होते हैं, दूसरा जब ये विपक्ष में होते हैं, तब तो सिलेंडर सर पर रख करके बाहर निकल आती है, लेकिन जब जब महिलाओं के इशूज होते हैं तो एकदम ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि है भी या नहीं है, अच्छा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, कम से कम महिला के साथ तो इन्हें खड़ा होना चाहिए, एज अ महिला प्रतिनिधि बन करके इनको जंतर मंतर पर जाना चाहिए था, और बहुत एक सौहार्दपूर्ण वार्ता करनी चाहिए थी, उन बच्चियों का दर्द समझना था कि वाकई उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन कोई भी नहीं जाने को तैयार है। ठीक है, ठीक है, विवेक श्रीवास्तव सबका जवाब आपको देना है, वे पांडे की आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, विवेक पांडे जी अधिवक्ता भी है, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से, चालाक है, चालाक तो होंगे विषयों से पीछा छुड़ा, अधिवक्ता भी है, प्रवक्ता भी है, चालाक भी, जो मित्र जितने भी लोगों ने यहाँ वक्तव्य दिया, सब अपनी राजनीतिक सीमा से, अच्छा, कि भीतर से बोल रहे हैं, भीतर से बोल रहे, कोई इसमें विधिक विषय पे बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं किसी भी दल में नहीं और ना ही दलदल में हूँ, तो आप सभी को एक डंडे से नहीं हाँक सकते हैं। चलिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से बैठी हूँ, और किसी भी उस पर मेरा वो नहीं है पार्टी पर। कुछ लोग राजनीतिक दल से जो है, इसमें विवेक पांडे जी से मेरी ज्यादा शिकायत है। अच्छा, शिकायत ज्यादा है। पेशे से अधिवक्ता है, अच्छा, और उन्होंने अपने वक्तव्यों में अधिवक्ता के पेशे के साथ न्याय नहीं किया। अच्छा, न्याय नहीं किया है। इन्होंने कहा मुकदमे नहीं लिखे गए, तब वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो भाई नहीं लिखे गए, ये एकदम इसमें क्या गलत झूठ है, झूठ है, ये एकदम झूठ है। मैं इसको विस्तार से बता दूं, समय दीजिए। सबसे पहले जब ये लोग धरने पे बैठे, ये लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू किया, तो उसी समय भारत के खेल मंत्री ने पर्याप्त समय दिया, दो दो तीन तीन बजे रात तक इनसे मीटिंग हुई, समाधान निकालने की कोशिश हुई, और उसके बाद पीटी उषा जी के अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई। पीटी उषा गौरव जी हम लोगों के समय का वो नाम है, इसने देश को पहली बार गौरव महसूस कराने का कार्य किया था। अच्छा, अच्छा। ये कोई खेल जगत में छोटा नाम नहीं है। अच्छा, अच्छा। और पीटी उषा की कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ये लोग दोबारा धरने पर बैठ गए। अच्छा। रिपोर्ट लीक हुई, क्या हुई अलग विषय है, मैं उस पर तफसील से जाना नहीं चाहता जी। अब आप ये बताएं, जब एक हाई पावर कमेटी जांच कर रही है, तो कोई थाना अध्यक्ष मुकदमा कैसे लिख सकता है। अच्छा। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा ठीक है साहब, हम एक्सेप्ट कर लेते, मुकदमा लिखवा देते हैं। मुकदमा लिख गया। अब जब मुकदमा लिख गया तो ये धरना अपने आप समाप्त हो जाना चाहिए। अच्छा। इसके बाद का काम विवेचक का है, विवेचक पे मॉनिटरिंग का काम न्यायपालिका अनरेली सुप्रीम कोर्ट का है। अच्छा। अगर आपको विवेचक ऊपर भरोसा नहीं, तो आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से डे बाय डे वीक एंड वीक
आप मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सारे प्रोसेस है, सब कुछ विद्यमान है जी। ऐसे में धरने पे बैठना कि नहीं साहब उनको गिरफ्तार कर लो, ये किस बात की जिद है? अच्छा, ये आप लीगल प्रोसेस को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्वयं अपने आप में एक अपराध है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे दयाराम भार्गव जी बड़ा इमोशनल प्रवचन दे रहे थे 28 तारीख को संसद के दिन, अभी हमारी समाज सेविका, रुक जाए, अभी हमारी समाज सेविका बहन ने भी कहा कि साहब 28 तारीख को पार्लियामेंट के उद्घाटन, जब आपको मालूम है कि देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन है, ठीक है आप पहलवान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने देश का तिरंगे का मान बढ़ाया है, तो आपके कंधे पे ज्यादा जिम्मेदारी है। अच्छा, जिस दिन देश की संसद का उद्घाटन उस दिन आप ऐसा कोई कार्यक्रम वहाँ न करें। ये पहलवान वहाँ मार्च करके जा रहे थे जब इनकी पुलिस से झड़प हुई, इनकी जिम्मेदारी थी कि ऐसे किसी कार्यक्रम में इन्हें विघ्न बाधा नहीं उपस्थित करनी चाहिए। अच्छा, जो न्योता दिया था पहलवान को, नहीं क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं देगी भाई, क्यों राष्ट्रीय खिलाड़ी है, सम्मान क्यों नहीं मिलना? ये पार्लियामेंट का उद्घाटन है, पार्लियामेंट का उद्घाटन है, भाजपा का पार्लियामेंट थोड़ी है, देश का पार्लियामेंट, सबको बुलाया गया, तो मेंबर आप पार्लियामेंट है, सबको निमंत्रण था उसमें। देखिए, महिला सम्मान की बात करते हैं, अगर अगर वो बुलाते हैं तो पहले तो मुझे लगता है द्रौपदी मुर्मू जी को बुला लेते, आप लोग आप लोग के दर्द कुछ ज्यादा है, विषय कुछ और है, भड़ास मोदी से है, सारे वक्तव्य हम लोग सब जानते हैं। अच्छा, आप लोगों को इससे कोई असर भी नहीं पड़ता। अच्छा, कोई असर नहीं पड़ता, आप मोदी को गाली देंगे। हाँ, आप संसद भवन के उद्घाटन, अरे यार गाली किसने दी भाई, कैसी बात कर रहे हो भाई, करेंगे। अच्छा, करेंगे, इनको दर्द बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, दर्द बहुत ज्यादा है इन्हें, वो गौरवशाली क्षण देखा नहीं जा रहा भाई, इनको भारत की संसद को राष्ट्रपति से दर्द से जुड़ाव है, कोई लगाव नहीं। अच्छा, इसका दर्द हो रहा है हमें, हमारे देश की जो इमेज बन गई है, जिस तरीके से महिला पहलवानों के छाती पर जूते रख के रौंद दिए गए, हमारे देश की क्या इमेज बनी, इससे हमें तकलीफ हो रही है। बिल्कुल देश कानून से चलेगा। पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? पॉक्सो एक्ट कहता है त्वरित एट्रेंडम उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं किया? अगर ऐसा नहीं तो जो लोग पॉक्सो एक्ट में आपने अरेस्ट कर रखा है उनको भी रिहा कर दीजिए ना, करिए ना रिहा। अगर पॉक्सो एक्ट में नहीं हुई है, एफआईआर हुई है, कोर्ट ने परिवाद दर्ज नहीं किया। विवेक भैया पहले आप टेक्निकल बात समझ, कोर्ट ने परिवाद दर्ज नहीं किया है, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया है, तो जब एफआईआर होगी तो विवेचना होगी, विवेचना की समयावधि होती है। परिवाद जो आप कह रहे हैं आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर कोर्ट उसको कंप्लेन केस की तरह ट्रीट करके कोर्ट समन करता तब वो कोर्ट में जाकर के अपना बयान दर्ज कराते। ये मुकदमा जैसा है इसमें आप पास को एक्ट लगवा लें चाहे 302 लगवा लें, अच्छा वो विषय नहीं। विषय इस बात का है कि जिन जिन देशों में इनका आमना सामना हुआ, जिन होटलों में आमना सामना हुआ, जिन जगहों पे हुआ, जबकि वहाँ जब वहाँ से तब तक सबूत इकट्ठे नहीं करेगा विवेचक, तब तक जब तक सबूत उसके इनके खिलाफ नहीं मिलेंगे तब तक क्या हवा में कार्रवाई कर देगा? इनके धरने बैठने से कार्रवाई हो जाएगी? अच्छा अच्छा भाई, इन्हें सहयोग करना चाहिए विवेचक के साथ। इससे पहले जो और भी लोग पॉक्सो एक्ट में त्वरित देहरा भाई मुंडी ला दी है, देहरा भार में मुंडी ला दी, बोलेंगे कुछ कहीं ना कहीं तो अन्याय हुआ है साहब। फिर चलिए, कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई अन्याय नहीं, अपना काम कर रहा है, अन्याय नहीं हुआ। लोग जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा, कुछ आ नहीं रहा है, सियाई बिल्ली खम्मा नोचने वाले, कौन खम्मा नोच रहा है? जो विपक्ष के लोग जैसे दयाराम जी गए थे, ये भी खम्मा नोच रहे हैं, ये भी गए खम्मा नोच के चले आए, जयंत चौधरी गए वो भी खम्मा नोच के चले आए, प्रियंका गांधी गई, नहीं नोचवाएंगे, खम्बा नोचवाएंगे, रुक जाइए, समय आने दीजिए, खम्बा नोचवाएंगे और बढ़िया तरीके से नोचवाएंगे, खम्बा नोचवाएंगे बढ़िया तरीके से नोचवाएंगे। आपकी स्मृति ईरानी क्यों नहीं गई? अब इनकी स्मृति ईरानी के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय महिला शूटर ने खुद आरोप लगाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य बनाने के लिए 25 लाख रुपए मांगे थे और उस भ्रष्टाचार को तूल ना मिले, हवा ना मिले, इसलिए स्मृति ईरानी मुझ पाई घूम रही है। स्मृति ईरानी जाकर के पूछिए वर्तिका सिंह कौन है, वर्तिका सिंह ने क्या आरोप लगाए स्मृति ईरानी पे? वो स्मृति ईरानी इसीलिए जंतर मंतर नहीं भटक रही है क्योंकि वो जानती है जैसे ही वो जंतर मंतर पहुंचेंगी वर्तिका सिंह के आरोपों की जांच हो जाएगी। वर्तिका सिंह ने उनके और उनके पीए पे वही डंडे की चोट पे चुनौती दी है जो आज के सांसद दे रहे हैं। नार्को टेस्ट, लाइट डिटेक्टर टेस्ट वो करवाने के लिए तैयार है, लेकिन यूपी
बीजेपी की खबर है, बाबा की सरकार है, इसीलिए खबर दबा दी गई है, इसीलिए इस पे कानून कोई काम नहीं कर रहा है। तो दीजिए ना, चलिए वर्तिका सिंह के भी, चलिए स्मृति ईरानी का भी करा लीजिए लाइट ट्विटर, अरे कराइए ना, वो तो बेचारी दौड़ी रही है, ट्विटर पे वीडियो वायरल है, अरे सरकार आपकी है, कार्रवाई आपको कर लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं, भाजपा की सरकार है भाई, आपके पास क्यों आई है, वो वहाँ लोकल थाने में गई, उससे एमएलए कोर्ट में बकायदा परिवाद दायर किया, क्या बात कर रहे हैं, परिवाद दर्ज हुआ तो फिर कार्रवाई होगी, अरे कार्रवाई होती तो स्मृति ईरानी की अरे क्यों फांसी नहीं होगी तो जांच भी नहीं होगी क्या, जांच भी नहीं होगी क्या, जांच नहीं करेंगे, 25 लाख रुपए मांगने के भ्रष्टाचार के आरोप, राष्ट्रीय निशानेबाज लगा रही है, एक लड़की है उसकी आवाज दबा दी जाती है, और यूपी में इनकी सुशासन की सरकार, आप चिल्लाते रहिए, मैं चिल्लाऊंगा भाई, मेरा काम है चिल्लाना, आप बताइए, मैं बिल्कुल बोलूंगा, आप क्या करूंगा, ठीक है ठीक है, बंधन कर लूं, ठीक है, बंधन कर लूं, सरकार के चरण बंधन कर लूं, बताइए ना, औकात तो करवा के दिखा दीजिए, चरण बंधन करवा दीजिए भाई, करवा दीजिए ना, मैं देख लूं, मेरी इच्छा के बिना चरण बंधन करवा के दिखाइए, अरे भाई भाई विजय भाई, संविधान के चरण बंधन करूंगा, क्यों चरण बंधन कराएंगे भाई, क्यों चरण बंधन कराएंगे, आप चिल्लाते रहे चिल्लाने, आप तो आप सुन क्यों नहीं रहे, आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप विजय भाई, विजय भाई हो गया हो गया हो गया विजय भाई, ये जैसे लग रहा है कि क्या होगा विजय भाई, अरे एक बात बताइए, अगर उनके धरने पे बैठे से कुछ नहीं होता तो आपने धरने से हटाया क्यों, क्या जरूरत थी आपको हटाने की, शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे थे, मार्च कर रहे थे, आपने उनका सामान क्यों हटाया, वापस जाके छोड़ देते जंतर मंतर, क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई, क्यों छोड़ेंगे, अपराधी हैं क्या, अपराधी हैं क्या, वो अपराधी हैं क्या, अपराधी हैं क्या, चलिए चलिए हो गया, क्या करते थे, हो गया हो गया, आप क्या करते थे, चलिए हो गया, पक्ष में आप क्या करते थे, रिसर्च करते थे, आप क्या करते थे, आंदोलन आंदोलन होता है, आंदोलन आंदोलन होता है, आंदोलन का तरीका यही होता है, चलो ठीक है, आंदोलन का तरीका यही होता है, पूछ के नहीं होता, आंदोलन पूछ के नहीं होता, नहीं पता है, आंदोलन संघर्ष, चलिए हो गया हो गया हो गया, बेबे भाई बेबे, दोनों बेबे भाई हो गया, आंदोलन पूछ के नहीं होता है, और पूछ के होगा तो आंदोलन नहीं होता, साथ भी नहीं होता है, बिल्कुल ये बात भी सच्चा है, ये बात भी, ये बात दोनों दोनों सही है, आप 15 अगस्त के दिन इन्होंने झूठ भरोसा, गौरव भाई इन्होंने झूठ भरोसा, जो कमेटी बनी थी 3 महीने में रिपोर्ट सार्वजनिक करने वाली थी, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, इन्होंने फिर झूठ बोला कि रात को देर तक खेल मंत्री बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, 5 मिनट मात्र 5 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया, खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, बात कर रहे हैं, झूठ परोस रहे, केवल छवि सुधार में झूठ बोलते हैं, ठीक है हो गया हो गया हो गया, ठीक है दयाराम बोलेंगे, फिर सचिन भाई को लेता हूँ, दयाराम बोले, सचिन भाई को लेता हूँ, दयाराम भाई दयाराम भाई, ठीक है हो गया हो गया, वेबे भाई हो गया, इन्होंने भाजपा प्रवक्ता ने ये बात कही कि बेरोजगार हैं, अभी पैनल पे बैठे हुए साथी को कहा, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इस बात को भी एडमिट करने लगे हैं कि हमने अपने उसमें कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ा दी है, आपने मान लिया ना, पश्चिम बेरोजगार कर दिया, सारे घोटाले डिबेट खराब मत करिए, प्लीज डिबेट खराब मत करिए, बारी बारी बोलिए, मजा नहीं आएगा, देखिए अहंकार की भाषा है, धर्म भाई खेसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, आप भी नोचने गए थे क्या, विवेक सिंह पूछ रहे थे अभी, खम्मा नोचने गए थे आप, देखिए बोल लीजिए, हमारे विवेक श्रीवास्तव जी सत्ता में है कुछ भी बोले, अच्छा उनका स्वागत है, सत्ता में है कुछ भी बोले स्वागत है, दूसरी बात सुनिएगा जी, ना देश मांगती है ना नौकरी मांगती है, अच्छा सुने सब सुने भाई जी, ना देश मांगती है ना नौकरी मांगती है जी, देश की पहलवान बेटियां हाँ, अपनी असमत का हाँ, न्याय मांगती हैं, लीजिए आज हमारे देश की बेटियों का ये हालात हो गया हाँ, न्याय मांगने के लिए उनको जो है धरना प्रदर्शन करना पड़े हाँ, दूसरी बात इसी बात को लेकर के न्यायालय करेगा, इसमें सरकार करने के लिए बचा क्या है, न्यायालय करेगा बोले, सरकार तो मुकदमा भी नहीं लिख रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ा, सकती सरकार मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट हाई पावर कमेटी, अरे भाई भाई ये आप दोबारा बोले, नहीं लिख सकते, दोबारा बोल बोले, सांसद नहीं लिख सकते, ठीक हो गया, सबको मौका मिला है, जयराम मार्ग बोलेंगे, जयराम भाई बोलिए बोलिए देखिए जी,
आज देश की बेटियों की जो हालात हुई है जी, हमारे विवेक श्रीवास्तव जी बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं जी, हम इनका सम्मान करते हैं भाई। सत्ता में है जो मर्जी बोलो भैया, कौन रोक रहा है आपको जी? आप आम को इमली बोल दो, अरे जिसे समझना हो समझे, ना समझे तो जाए जी। लेकिन इससे मतलब नहीं है कि आप जो कुछ बोल देंगे वो इतिहासों में दर्द होगा जी। इतिहासों में दर्द होगा तो उसके साथ दर्द भी होगा। अच्छा, और ये दर्द होगा जब आप सत्ता से जाएंगे, विपक्ष में होगा जी। ये सवाल यही आपके साथ खड़ा होगा, लीजिए सवाल खड़ा होगा। बात यहाँ ये मत सोच लीजिए जी कि हम आज कुर्सी पे हैं, जरूरी नहीं है तो कुर्सी में जो है फेविकोल लग गया, चिपक गया, छूटेगा ही नहीं, छूटेगा जी। बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, भीग जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। अच्छा, लेकिन वहां भी सवाल जो कहते हो खड़ा होगा। इन्होंने हमसे कहा कि दयाराम भाई खिसियानी बिल्ली मुंह नोचे, खम्बा नोचे, मैं लेके जाना चाहता हूँ 2013 में जी, जब अन्ना हजारे का धरना प्रदर्शन हो रहा था, बाबा रामदेव जी बैठे थे, जो क्या नाम है, पेट्रोल को 35 रुपया बेचना चाह रहे थे, सिलेंडर को 300 रुपया सिलेंडर देना चाह रहे थे जी, तब क्या धरना प्रदर्शन नहीं था जी? तब क्या हमारे देश में संविधान नहीं था जी? ना तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, ना तो मैं इसका समर्थन करता हूँ जी, मैं समर्थन करता हूँ भारतीय संविधान के न्यायालय का। क्या बात है, आखिर भारतीय संविधान के न्यायालय में ऐसी कौन सी बात आ गई है जी कि FIR दर्ज होने के बाद लोग जेल में जाया करते थे, आज लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है जी? वो न्यायप्रिय कहाँ चले गए जी? वो पुलिस वाले कहाँ चले गए? पुलिस वालों की संवेदनाएं इतनी मर गई है, उनके अंदर अब मानव नाम का कोई जानवर नहीं रहा जी। सारी की सारी उनकी सिंपैथी खत्म हो जाती है। और शुक्र करिए उसी दिल्ली में कई ऐसे वाक्य हुए हैं, कई बेटियों के साथ हुए हैं, सवाल जस का तस रहता है। मैं सभी पैनलिस्टों से कहना चाहूंगा, ठीक है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश की बेटियां जब मेडल जीती थी जी, तो हमारे भारत देश का गौरव की थी जी, और ये जब मेडल जीती थी जी, तो डायरेक्ट नहीं पहुंच गई थी जी, अपने गांव से निकली थी, हो गया, अपने ब्लॉक से निकली थी, चलिए अपने जिले से निकली थी, ठीक है, अपने प्रदेश से निकली थी जी, फिर प्रदेश से देश में आई थी, उसके बाद विदेशों से जाके मेडल लाई थी। ये वैसे मेडल नहीं है कि बाजार में खरीद के लाके चली आई। अरे सर मानी चाहिए, धिक्कार है लोगों पे, वो अपने मेडल जो प्राप्त की वो जाके गंगा में प्रवाहित करने जा रही है, उसको भी शर्मदारी किसी को नहीं है जी, ठीक है, हो गया। कैसे डिबेट लोग कर रहे हैं जी, कैसे है। लोगों की संविधान बिल्कुल मर गई है इस देश में, ठीक है, ठीक है, मानी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया भाई, हो गया। सचिन चौधरी कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए, आपकी बारी है। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जयंत चौधरी जी की बात कर रहे थे, पहली बात तो आपसे पूछ के जयंत चौधरी नहीं जाएंगे कि कहां जाना है और नहीं जाना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये आरोप आपकी पार्टी के लोगों पर, चाहे अजय मिश्रा टहनी पर हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर हो, अगर किसी और दल के नेता पे आरोप होते तो आपका बुलडोजर बाहर निकल आता, आज तो बुलडोजर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आपका बुलडोजर कहाँ है? अच्छा, कहाँ बुलडोजर? भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, बुलडोजर कहाँ है आपका? कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाना चाहती है। अच्छा, अगर बचाना नहीं चाहती तो क्यों नहीं दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट के तहत जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ तो क्यों नहीं कोर्ट के सामने पेश किया जी, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हुई? अच्छा, विवेक श्रीवास्तव बोल रहे थे सचिन भाई कि आप लोग खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचरे वहां पर गए थे, कुछ बना तो आपका है नहीं, तो वहां पर चले गए थे अपना समर्थन और सियासत दिखाने के लिए। आप लोग उन बेटियों के लिए बना गए थे, आप लोग सियासत करने वहां पर गए थे, वहां कुछ हुआ नहीं आपके लिए? सियासत करने के लिए नहीं, विवेक श्रीवास्तव बोल, मैं नहीं बोल रहा हूं, बहन बेटियों के साथ खड़े थे, सियासत भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा, अगर सियासत नहीं करती तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? जवाब दे दीजिए। अगर ये सियासत का मामला नहीं है, अगर ये वोट बैंक का मामला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो क्यों नहीं ये कार्रवाई कर देती? जवाब दे दीजिए। देखिए गौरव जी, मैं समय का दो मिनट है, विषय विधिक है। अच्छा, FIR हो चुकी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, अरे खाब आपके लिए चुनौती बनेगी बेबी भाई, दिक्कत तो देगी। हम इस विषय में नहीं उलझना चाहते। अरे विषय क्यों उलझेंगे? आपको जो आपके खिलाफ पंचायत हो रही है, चार राज्यों की खाब बैठ रही है, वहां पर उनका बहुमत है, बहुल्य है, वो आपके लिए विषय नहीं है, चुनाव आ गए बगल में। मैं बहुत विनम्रता से बता रहा हूँ, न्यायपालिका के विषय, इस तरह के धरने प्रदर्शन
या खाप पंचायतों से तय नहीं होते। अच्छा, ये कोई इस तरह का विषय नहीं है कि जो जनमत से तय हो। अच्छा, ये न्यायपालिका का विषय, सबूत गवाह कानून से तय होंगे। ठीक है, ठीक। जब विवेचक को सबूत मिलेंगे, गवाह मिलेंगे, कार्रवाई करेगा जी, और ब्रजभूषण सिंह अगर उसमें आरोपित हो तो गिरफ्तार भी होंगे। ठीक है, लेकिन बिना सबूत गवाह के किसी को उठा के गिरफ्तार कर दिया जाए जी, ऐसे कंप्लेनेंट केस में मुझे नहीं लगता कि विवेचक ऐसा कुछ करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग इसमें किसी के करने कहने के लिए कुछ है नहीं। अच्छा, सरकार इसमें कहीं कोई पार्ट नहीं है। जो लोग सरकार को इसमें खींच रहे हैं वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैंने अच्छा, इसीलिए कहा कि जो विपक्ष के लोग जा रहे हैं, विपक्ष बेरोजगार है, विपक्ष के पास विवेक भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप सत्ता पद से हैं जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े अच्छे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सुनिए। अच्छा, मैंने कहा इस देश में पांच को एक टिकट है, जिसमें भी FIR दर्ज होगा उसमें इसी तरह जाँच होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं इसी तरह जाँच होगी? दयाराम जी, ये विषय कंप्लेनेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुकदमा लिखा। सर सर सर, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर आपको किसी ने, आप देखिए देखिए, मैं बता रहा हूँ विवेक भाई, विवेक भाई, कानून का मैं इतना ज्ञाता नहीं हूँ। अच्छा, मैं लॉयर नहीं हूँ, तब मैं कह रहा, लेकिन मैंने जो ज्ञाता है, विवेक सर ज्ञाता है भाई, कानून के ज्ञाता है। नहीं, मैं ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप पांच को इलेक्ट के तहत FIR दर्ज होने के बाद देश में जितने भी लोग करेंगे, क्या उनके साथ इसी तरह प्रक्रिया अपनाई जाएगी विवेक भाई? दयाराम जी, पास्को एक्ट का सिंपल मुकदमा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लिखा गया मुकदमा है। और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या है? हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, और चर्चा थी यहाँ पर खाप पंचायतों के समर्थन की। समर्थन यानी ऐसा कि खाप पंचायतों ने यहाँ पर पहलवानों का समर्थन की, यहाँ पर बात कह रही है। आज सौरभ में खाप महापंचायत हुई और 11 जून को दोबारा खाप महापंचायत होगी। खाप पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पर प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे और द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति से मिलेंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे। पहलवानों के समर्थन में खाप आ चुकी है। विपक्ष यहाँ राजनीति करे या समर्थन दे, उसकी यहाँ पर बात करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर राजस्थान, वहाँ की खाप पंचायतों ने यहाँ पहलवानों को समर्थन दे दिया है। अब ये लड़ाई कितना आगे चलेगी, कितना यहाँ पर विवाद होगा, कितना चुनौती बनेगी बीजेपी के लिए और बीजेपी सांसद के लिए, वो फिलहाल भविष्य गर्भ में निहित है। पर एक बात तो बात स्पष्ट है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो छोटी नहीं होने वाली है, क्योंकि लड़ाई बढ़ चुकी है, क्योंकि लड़ाई यहाँ सम्मान की है, आधी आबादी की और आरोपों लेकर, क्योंकि यहाँ पर सम्मान दोनों तरफ से है। सम्मान यहाँ बेटियों का भी है तो सम्मान वहाँ सांसद का भी है। अब आरोप कैसे है वो भी आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएंगे, पर एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाला समय बहुत कुछ दिखाने वाला है, 24 चुनाव के लिए भी, इस लड़ाई के लिए भी और खाप पंचायतों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर सबका मान सम्मान दांव पर लगा है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।